फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चंस बैंक पीओ और बैंक क्लर्क और दूसरे सभी इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो क्लास में मैं करीब 20 क्वेश्चन आपको नए पैटर्न के एक्सप्लेन करूँगा। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए सारे वीडियो क्लास को। और जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा, और उसके बाद दिसंबर में IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। इंडियन बैंक का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है और दूसरे बैंक्स के भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो इस समय बैंकिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है, और यदि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, केवल आपकी स्ट्रेटजी स्मार्ट होनी चाहिए और आपका जो तैयारी करने का तरीका है वो बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो यदि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी पेड ई क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग इन नंबर्स पर आप उससे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आया था आपका SBI क्लर्क एग्ज़ाम 2018 में, अभी 23 और 24 जून को जो एग्ज़ाम हुए थे SBI क्लर्क प्री के, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन किस तरीके से है, ये पैराजम्बल का क्वेश्चन है। इसमें छोटे छोटे पार्ट या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं सेंटेंस के, और उनको मिला के आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो बोल्ड पार्ट है उसकी पोजीशन यहीं पर रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो नंबर वन पर है तो नंबर वन पर ही रहेगा जो बोल्ड पार्ट है। उसके बाद के जो पार्ट हैं उनको आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट, अब देखिए सबसे पहले तो इसमें ए ही आएगा, क्योंकि गेव का संबंध स्क्रैप से है। वी गेव, हमने दिया, ठीक है, हमने क्या दिया, हमने स्क्रैप्स दिया। स्क्रैप्स हम बोलते हैं जो बेकार सामान होता है, जो रद्दी होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप्स। वी गेव ऑल द स्क्रैप्स, ठीक है, वी गेव ऑल द स्क्रैप्स, और इसके बाद आप लगा सकते हैं वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट के, आप दैट के बाद आप लगा सकते हैं दैट वर रेडी, ठीक है, जो तैयार था। किस चीज के लिए तैयार था, जो फेंकने के लिए तैयार था, ठीक है। तो वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट वर रेडी, मतलब इसमें ए पहले आएगा, स्क्रैप्स, वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट वर रेडी, तो डी, ए और डी इसमें पहले आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बी और सी इसमें लगा सकते हैं। टू द गीज, थ्रो अवे टू द गीज, मतलब डिस्कार्ड करना उस चीज को। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ए डी बी सी, ठीक है, ए डी का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया इसमें, तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा इसमें ए डी बी सी, ये इसमें आपका सही आंसर होगा। वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट वर रेडी टू थ्रो अवे टू द गीज, ये इसका सही सेंटेंस आपका बनेगा। आगामी IBPS क्लर्क एग्जाम में भी कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसको देखिए, डेविड इज स्ट्रॉलिंग अक्रॉस अ फील्ड वन सनी मॉर्निंग। डेविड जो है एक फील्ड के चारों तरफ, ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है इस तरफ से उस तरफ, स्ट्रॉलिंग अक्रॉस का मतलब होता है कि आराम से लेजरली तरीके से कहीं पर घूमना, ठीक है। इसको हम सॉन्टर भी बोलते हैं, इसको हम एम्बलिंग अराउंड भी बोलते हैं। तो डेविड इज स्ट्रॉलिंग, ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया, डेविड इज स्ट्रॉलिंग, वो स्ट्रॉल कर रहा है, लेकिन कहाँ पर कर रहा है, वो अक्रॉस अ फील्ड, ठीक है, और कब कर रहा है, वन सनी मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, और यदि इस सेंटेंस को आप पास्ट में करना चाहें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा पढ़ने में, लेकिन इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है और इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस सारे SBI क्लर्क 23 जून के ये सेंटेंस हैं, कुछ मैंने और भी सेंटेंस लिए हैं इसमें। क्रूजिंग इन द, क्रूजिंग का मतलब होता है सैर करना, जैसे नाव में हम सैर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रूजिंग, ठीक है, तो क्रूजिंग इन द, लेकिन क्रूजिंग कहाँ पर करना, क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया इसका, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया ये इनके बाद। क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट,
क्रूजिंग का मतलब है जब इसको आईएनजी फॉर्म में आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इसको आप यूज़ कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि ऐसा करते हुए आपने कुछ और काम किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो काम एक साथ करते हैं, ठीक है, एक काम यहाँ चल रहा है और एक काम यहाँ चल रहा है, तो उस समय हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो जिस समय इन्होंने क्रूजिंग कर रहे थे ये, उस समय इन्होंने क्या किया, उस समय इन्होंने किया वी कुड सी मैनी काइंड्स ऑफ फिश, ठीक है। तो क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट, यानी बी इसमें पहले आएगा, क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट, उसके बाद बोलेंगे आप वी कुड सी मैनी काइंड्स, मतलब ए और डी, यानी बी ए डी का इसमें सही आंसर आपका बनेगा। बी ए डी का ऑप्शन कौन सा है, बी ए डी का ऑप्शन इसमें एक ही है, बी ए डी सी, तो ये इसमें आपका सेकेंड जो होगा इसमें सही आंसर होगा। क्रूजिंग इन द ग्लास बॉटम्ड बोट वी कुड सी मैनी काइंड्स ऑफ फिश, ये सही सेंटेंस आपका बनेगा। ये देखिए स्पॉटिंग रेड के कुछ सेंटेंस हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम से ही लिए हैं, ये रियल क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि ये करेंट पैटर्न है, इस तरह के स्पॉटिंग रेड इस समय पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब अब के बाद से और आज के बाद से, नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द डोनेशंस दैट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डोनेशन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या किया जाएगा, दे विल बी अकाउंटेड टू इन द बैलेंस शीट, उनको बैलेंस शीट में अकाउंट लिखा जाएगा, एंड डिटेल ऑफ द डोनर्स, जो डोनर्स हैं विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट फाइल, उनको अलग से एक सेपरेट फाइल में जो डोनर्स के नाम हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द डोनेशन दैट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अकाउंटेड टू, देखिए अकाउंटेड टू, अकाउंटेड वर्ड की जगह यदि यहाँ पर क्रेडिटेड होता तो क्रेडिट के साथ आप टू लगा सकते थे, लेकिन अकाउंटेड के साथ यहाँ पर जो प्रपोजिशन लगा है वो लगा है टू, अकाउंटेड के साथ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे यहाँ पर फॉर, क्योंकि अकाउंटेड फॉर का अर्थ होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना या उसको जस्टिफाई करना या उसका एक्सप्लेनेशन देना, तो जो डोनेशन आएगा उस डोनेशन को वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, वहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा कहाँ से डोनेशन आया है, किस काम के लिए डोनेशन आया है, वहाँ पर उसको लिखा जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेड फॉर, ठीक है। अकाउंटेड फॉर जो है वो एक और उसका मीनिंग होता है, जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन सपोज 80% हिंदू हैं इंडिया में, या 70% मान लेते हैं 70% हिंदू हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 70% हिंदू, 70% हिंदू अकाउंट फॉर द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, 70% ऑफ द हिंदू अकाउंट फॉर द टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का जो हिंदू है वो 70% पार्ट है। तो इस सेंस में भी किसी टोटल का जब हम पार्ट बताते हैं तो उस सेंस में भी हम अकाउंट फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, बी यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और इसके आगे हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, अब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इट सीम्स दैट ग्लोबल सेल्स ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो, इट सिंगुलर है तो इसके बाद सीम्स आया है जो कि सही है, इट सीम्स ऐसा लगता है, क्या लगता है कि ग्लोबल सेल्स ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, विल कंटिन्यू टू ग्रो, वो आगे बढ़ना जारी रखेगी, विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स पेटेंट, इसका जो पेटेंट है, कुछ दवाइयों का, कुछ चीज़ों का पेटेंट लिया जाता है ताकि उनको कोई और कॉपी ना कर सके, उसको हम बोलते हैं पेटेंट, ठीक है। इवन द एक्सपायरी ऑफ इट्स पेटेंट ऑल्दो द कंपनी हैज बीन, अब आप यहाँ पर देखिए हैज बीन के साथ यहाँ पर क्या लगा है, ट्राइड लगा है, और यहाँ पर इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि कंपनी पेटेंट का रिन्यूअल लेने के लिए काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही है, ऑल दो द कंपनी हैज बीन ट्राइंग हार्ड टू गेट इट्स पेटेंट रिन्यूड, मतलब कंपनी अपना पेटेंट को रिन्यू कराने के लिए काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही है। तो चूंकि कंपनी इसमें खुद ही डूअर है, कंपनी के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, कंपनी खुद ही काम कर रही है, इसलिए सेंटेंस को आप किस में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में,
और एक्टिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन के बाद हम ट्राइड नहीं लगाते, हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती है। जैसे आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट, आई हैव बीन गिवन, मुझे दिया जा चुका है, आई हैव बीन डिलीवर्ड, द पैकेट हैज बीन डिलीवर्ड। तो इस तरीके से हैज़ बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस, लेकिन ये सेंटेंस चूंकि एक्टिव वॉइस में है इसलिए ट्राइड ना लिखते हुए हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से कोई काम कराना। जैसे यदि मैं बोलूँ कि आई विल गेट माई रूम क्लीन्ड, आई विल गेट माई रूम क्लीन्ड, इसका मतलब होगा कि मैं अपना कमरा किसी दूसरे व्यक्ति से साफ करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें इसका मतलब होता है कि एक काम को दूसरे किसी व्यक्ति से करवाना। तो यहाँ पर इसका सेंस क्या निकल रहा है, कंपनी हैज बीन ट्राइंग हार्ड, कंपनी बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, किस लिए, कि अपने पेशेंट को सॉरी अपने पेटेंट को रिन्यू करवाने के लिए। तो इसका मतलब होता है गेट इट्स पेटेंट रिन्यू का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, किस पार्ट में, ट्राइड जो है ये किस पार्ट में है, ट्राइड जो है ये डी पार्ट में है, ट्राइड की जगह आप क्या लिखेंगे, ट्राइंग, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके बैंक क्लर्क एग्जाम की, ये बैंक क्लर्क एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क में। ऑन द लास्ट फ्यू वीक्स अक्रॉस द कंट्री द प्राइस ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज नहीं होगा एक्चुअली, ये स्पाइसेस होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ स्पाइसेस हैज फॉलन शार्पली एज द पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड प्रेफर माइल्ड फूड। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पूरे देश में, पूरी कंट्री में, ठीक है, ऑन द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह के दौरान, पिछले कुछ सप्ताह के दौरान सारी कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, द प्राइस ऑफ स्पाइसेस, मसालों के जो भाव हैं वो क्या हो गए हैं, हैज फॉलन शार्पली। यहाँ पर देखिए जो रियल सब्जेक्ट है वो स्पाइसेस ना होके प्राइस है, हम मसालों के प्राइस की बात कर रहे हैं, केवल मसालों की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो प्राइस चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज हमने यूज़ किया है जो कि सही है। ठीक है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं फॉलन, फॉल फेल एंड फॉलन, ये सही है। शार्पली मतलब बहुत तेजी से, ऐसा क्यों हुआ है, मसालों के प्राइसेस क्यों गिर गए हैं, यहाँ पर एज के थ्रू हम रीज़न बता रहे हैं इसका, एज द पीपल हैव बिकम, ठीक है, हैज द पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस, चूंकि लोग जो है वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बन गए हैं और प्रेफर माइल्ड फूड और हल्का फुल्का खाना पसंद करते हैं, इसलिए मसालों के जो प्राइसेस हैं वो गिर गए हैं। इसमें गलती कहाँ है, बाकी पूरा सेंटेंस हमने देखा कहीं भी इसमें गलती नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ऑन द लास्ट फ्यू वीक्स का क्या मतलब है, ऑन हम किसके लिए लगाते हैं, कोई सरफेस पर हम कोई चीज़ रखते हैं तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान, पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान, तो इसलिए इसमें हम या तो ओवर लगाएंगे या ड्यूरिंग लगाएंगे, क्योंकि ओवर का अर्थ भी ड्यूरिंग होता है, तो ओवर या ड्यूरिंग हम यहाँ लगा सकते हैं, ऑन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, एक लंबा सा सेंटेंस है लेकिन जो उसमें मिस्टेक है वो बहुत छोटी सी है और प्रपोजिशनल मिस्टेक है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है बैंकिंग एग्जाम में निकलने के लिए। तो इसमें आपकी गलती क्या होगी, इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा ए, क्योंकि ऑन की जगह इसमें आप ओवर या ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां मैं आपको इस ई कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। यदि आप बैंकिंग एग्जाम में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी आईबीपीएस पीओ में, क्लर्क में, एनआईएसीएल एग्जाम में, तो उसके लिए आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ई क्लासेस अभी चल रही हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक प्रो के नाम से ये कोर्स है और इन नंबर्स पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, रिपोर्ट सेज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू, इसको भी मैं ब्रेक करके एक करके बताता हूँ आपको। रिपोर्ट चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमने सेम एस लगाया है, रिपोर्ट सेज, जो सही है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट किया गया है. आर डायरेक्टेड का मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है. जब हम इज एम आर और वॉज वर्क के साथ और हैज बीन हैव बीन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन होता है. रिपोर्ट सेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टेड, उनको डायरेक्ट किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है. किस लिए उनको निर्देशित किया गया है? टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है. इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि ऐसा हो सके. इन ऑर्डर टू कंट्रोल, ताकि वो कंट्रोल कर सके किस चीज को? सप्लाई ऑफ मनी को. सप्लाई ऑफ मनी को कहां पर? इन मार्केट एंड इकोनॉमी, लेकिन इसमें दिया है एट मार्केट एंड इकोनॉमी. सप्लाई ऑफ मनी कहां पर होता है? सप्लाई ऑफ मनी होता है मार्केट और इकोनॉमी में. एट नहीं, एट हम लगाते हैं एक फिजिकल पॉइंट के लिए. मार्केट एंड इकोनॉमी के लिए हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं. तो ये वाला जो पार्ट है एट, ये प्रपोजिशनल एरर है और इसमें डी इसमें आपका आंसर होगा. ठीक है, इस ये सेंटेंस भी प्रीवियस सेंटेंस की तरह है. जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंस देखा था कि इस सेंटेंस में काफ़ी लंबा ये सेंटेंस था और एक प्रपोजिशन की एक बारीक सी इसमें एरर थी, उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन एक बहुत माइन्यूट सी इसमें एरर है. और ये टिपिकल ऑफ बैंकिंग क्वेश्चंस हैं. तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा डी. अब हम आगे बढ़ते हैं. द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट विल बी लेफ्ट ब्लैंक. पासपोर्ट का जो आखिरी पेज है उसको खाली रखा जाएगा. ठीक है, विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी ये पैसिव वॉइस है और इसमें एक काम किया जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा. ठीक है, तो देखिए आप अभी प्रीवियस तीन चार क्वेश्चन में पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट बहुत पूछा गया है और प्रपोजिशन और पैसिव वॉइस ये कॉमनली काफ़ी कॉमनली ये पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में. ठीक है, तो लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट विल बी लेफ्ट ब्लैंक. पासपोर्ट के आखिरी पेज को खाली रखा जाएगा. क्यों रखा जाएगा? एज के थ्रू हम रीजन बता रहे हैं यहां पर. एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज डिसाइडेड, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिसाइड किया है. क्या डिसाइड किया है? कि दैट द नेम ऑफ फादर, स्पाउस और लीगल गार्जियन विल नो लॉन्गर बी. अब देखिए यहां पर भी आपको पैसे वॉइस चाहिए. ऑन द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, ठीक है, लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट विल बी लेफ्ट ब्लैंक एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ फादर, स्पाउस एंड लीगल गार्जियन विल नो लॉन्गर बी प्रिंटेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट. चूंकि लास्ट पेज जो है पासपोर्ट पर फादर, स्पाउस और लीगल गार्जियन का नाम उस पर प्रिंट नहीं होगा, इसलिए उसको खाली रखा जाएगा. अब खाली रखा जाएगा तो यहाँ पर भी एक एजेंट इन्वॉल्व हो गया. खाली रखा जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्थान के द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा. तो जिसमें बाय एलिमेंट लगता है, के द्वारा या बाय एलिमेंट लगता है जिसमें, वो होता है पैसिव वॉइस. तो चूंकि ये पैसिव वॉइस है इसलिए विल नो लॉन्गर बी, विल बी के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म. तो प्रिंटिंग के स्थान पर हम लगाएंगे प्रिंटेड. ठीक है, और डी इसमें आपका आंसर होगा. तो यहां पर इसका आपका आंसर होगा डी. मुझे उम्मीद है कि ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा. प्रपोजिशंस को किस तरीके से यूज करते हैं इसकी आपको अप्लाइड नॉलेज चाहिए. ठीक है, प्रपोजिशन की, पैसिव वॉइस की और कंजंक्शंस की, इन सारी चीज़ों को मैं अपने ई कोर्स में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. तो उसके लिए आप हमारा ई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. रिस्पॉन्डिंग टू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का. प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब दो काम एक साथ होते हैं तो उस समय हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. रिस्पॉन्डिंग टू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन मतलब सीरीज ऑफ क्वेश्चन का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा दैट इंडियन मोटरसाइकिल्स दैट आर इम्पोर्टेड, इंडियन मोटरसाइकिल्स जिनको इम्पोर्ट किया जाता है. ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसको हमने मोटरसाइकिल्स के लिए यूज़ किया है. दैट को हमने मोटरसाइकिल्स के लिए यूज़ किया है. दैट आर इम्पोर्टेड, ये फिर से एक पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन आ गया कि आर के बाद हमने इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन बन गया. दैट आर इम्पोर्टेड इन द US डू नॉट हैव एनी ट्रैफिक ऑन देम और टैरिफ ऑन देम.
मतलब इंडियन मोटरसाइकिल जिनको यूएस में इंपोर्ट किया जाता है उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेड में चूंकि मूवमेंट इन्वॉल्व है इसलिए आप बोल सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेड इन टू, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा इम्पोर्टेड इन टू, ठीक है। और सी इसमें आपका आंसर होगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। विद द समर हॉलीडेज राउंड द एरिया वन ऑफ द थिंग्स दैट पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर इज द स्पेस वेयर दे कैन टेक देयर चिल्ड्रन फॉर अ हॉलीडे। इस समय जो करेंट ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग एग्जाम का, उसको पास करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर प्रॉपर रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को आप केवल रीडिंग के थ्रू ही समझ सकते हैं, जिसमें काफी सारे वर्बल पैटर्न इन्वॉल्व रहते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें एक्चुअली क्या है कि रूल बेस्ड कोई एरर नहीं है, और इसमें अप्लाइड आस्पेक्ट जो है ग्रामर का उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, विद द समर हॉलीडे राउंड द एरिया वन ऑफ द थिंग्स, चूंकि समर हॉलीडेज नजदीक हैं या आने वाले हैं, वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द के बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं तो ये सही है। वन ऑफ द थिंग्स दैट पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर, एक ऐसी चीज जिसको पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, वो क्या है, वो है इज द स्पेस, एक स्पेस है, स्पेस किस लिए, वेयर दे कैन टेक देयर चिल्ड्रन फॉर हॉलीडेज, जहां पर वो अपने बच्चों को छुट्टी के लिए ले जा सके, ठीक है। तो चूंकि समर हॉलीडेज आने वाले हैं इसलिए जो जो एक चीज पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं वो एक ऐसा स्पेस है, ऐसी जगह है, ऐसी लोकेशन है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जा सके। तो ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है, लेकिन इसमें गलती कहां पर है, इसमें गलती देखिए यहां पर है, विद द समर हॉलीडेज राउंड द एरिया, राउंड द कॉर्नर एक इडियम होता है, राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है कि ये चीज अबाउट टू हैपन है, पास में है, होने वाली है या आने वाली है, ठीक है। जैसे माय एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, मतलब मेरा एग्जाम आने वाला है या नजदीक है या पास में ही है, ठीक है। तो इसको हम राउंड द एरिया नहीं बोलते, इसको हम राउंड द कॉर्नर बोलते हैं। तो यहां पर यह चीज आपकी एरिया जो वर्ड है यह आपका गलत है, ठीक है। और चूंकि ये ए पार्ट में है इसलिए इसमें आपकी आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इवन दो टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हेल्प यू, इवन दो, हालांकि टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है ये प्लूरल है इसलिए इसके बाद हेल्प लगा है, हेल्प में एस नहीं लगाएंगे हम क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। इवन दो टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हेल्प यू सेव, आप हेल्प यू टू सेव भी बोल सकते हैं और हेल्प यू सेव भी बोल सकते हैं। हेल्प के बाद टू जो लगता है वो ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। हेल्प यू सेव, ठीक है, तो हेल्प यू सेव भी सही है। हेल्प यू सेव टैक्स फॉर द करेंट ईयर, और इसके आगे हम देखते हैं द इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम बिकम सही है, अ टैक्स लाइबिलिटी इनकम, इंटरेस्ट इनकम जो है वो टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है ईच ईयर टू द एंड ऑफ द टेन्यूर। इवन दो टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हेल्प यू सेव टैक्स फॉर द करेंट ईयर, इसमें कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो आपको हेल्प करते हैं टैक्स बचाने में, जैसे LIC की पॉलिसी होती है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो एक टैक्स लाइबिलिटी होती है आपकी, उस पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट इनकम बिकम्स ए टैक्स लाइबिलिटी ईच ईयर, उन पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो एक लाइबिलिटी बन जाती है ईच ईयर टू द एंड ऑफ द टेन्यूर की जगह हम बोल सकते हैं इसमें टिल द एंड ऑफ द टेन्यूर, उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 5 साल का 3 साल का जो टेन्यूर होता है, जो समय काल होता है, तब तक वो हर साल के लिए एक टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है, उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है। जैसे सपोज आपकी कोई FD है या आपने कोई LIC की पॉलिसी कराई, तो LIC की पॉलिसी की वजह से टैक्स तो बच जाएगा, लेकिन उस पर जो आपका इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उस इंटरेस्ट
का आपका एक टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, जो कि हर साल के लिए टैक्स लाइबिलिटी आपकी रहेगी। कब तक रहेगी? टिल द एंड ऑफ द टेन्यूर, जब तक वो चलेगी तब तक। इसलिए टू नहीं लगाएंगे, टू हम लगाते हैं प्लेस के लिए, टू यहां पर गलत है। इसके स्थान पर आप क्या लगाएंगे? इसके स्थान पर आप लगाएंगे टिल, ठीक है। तो डी इसमें आपका आपकी गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लियर दैट ही इज गोइंग टू बेयर अवे द पाम इन द कॉन्टेस्ट। इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट दिया है, ये भी एक नया पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट जो दिया है ये बोल्ड में दिया है, और इसका मीनिंग आपको बताना है। इट इज क्लियर, यह साफ है, दैट ही इज गोइंग टू बेयर अवे द पाम इन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में वो करने वाला है। कॉन्टेस्ट में वो क्या करने वाला है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। बेयर अवे द पाम, देखिए पाम ट्री एक आपने सुना होगा, और पाम के जो पत्ते होते हैं वो विक्ट्री का साइन है, वो विक्ट्री को इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए बेयर अवे द पाम का मतलब है विन, जीतना। और यहां पर आपका आंसर होगा यहां पर आपका आंसर होगा सी। आगे पढ़ते हैं। द रिपोर्ट डज नॉट मींस वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एज ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस क्या है? ल्यूडिक्रस का मतलब होता है नॉन सेंसिकल, ठीक है। जो चीज नॉन सेंस है, बेकार है, बकवास है, दैट इज कॉल्ड ल्यूडिक्रस। द रिपोर्ट डज नॉट मींस वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एज ल्यूडिक्रस। जो रिपोर्ट है वो वर्ड्स को मींस नहीं करती और सिचुएशन को ल्यूडिक्रस डिस्क्राइब करती है, मतलब सिचुएशन जैसी है उसको वैसा ही बताती है। तो डज नॉट मींस वर्ड का मतलब है कि यदि आप मींस वर्ड करते हैं तो इसका मतलब है आप किसी चीज को इनडायरेक्टली या घुमा फिरा के बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है डज नॉट मींस वर्ड। डज नॉट मींस वर्ड मतलब किसी चीज को डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहना। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा से डायरेक्टली, ए विल बी द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। ही हैज डेवलप्ड अ बैड हैबिट टू डिडल एवरीवन। उसने एक गंदी आदत अपने अंदर डेवलप कर दी है, और वो गंदी आदत है डिडल करने की, लोगों को डिडल करने की, ठीक है। तो डिडल क्या होता है? डिडल होता है लोगों को चीट करना या स्विंडल करना, उनको धोखे से कोई चीज उनकी ले लेना, उसको हम बोलते हैं डिडल, ठीक है। डिडल का एक मतलब और होता है डिडलिंग अराउंड, जैसे आप किसी जगह पर घूम रहे हैं बिना किसी एम के, बिना किसी पर्पस के, एमलेसली कहीं पर घूमना, दैट इज कॉल्ड डिडलिंग अराउंड। और डिडल का मतलब डिसीव करना या स्विंडल करना या धोखा देना भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डिसीव और स्विंडल, SWINDLE, स्विंडल का मतलब भी धोखा देना ही होता है। तो यहां पर इसका आपका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल फाउंटेन एंड जेन स्टीवर्ट गैदरिंग स्ट्रेंथ इनिशिएटिव बिगेन टू विदर। विदर का क्या मतलब है? देखिए इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं। एक होता है विदर और एक होता है डिदर। विदर का अर्थ होता है किसी चीज का कमजोर पड़ जाना या फेड पड़ जाना, ठीक है। किसी भी चीज का कम हो जाना, फेड पड़ जाना, कमजोर हो जाना, उसको हम बोलते हैं विदर, फिजिकल सेंस में भी और लिटरल सेंस में भी। और डिदर का अर्थ होता है हेजिटेट करना। डिदर का एंटोनिम होता है डिसाइड करना, क्योंकि आप अगर हेजिटेट नहीं कर रहे हैं तो आप डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए डिदर का एंटोनिम होता है डिसाइड। और डिदर का मीनिंग होता है आपका हेजिटेट। विदर का मीनिंग होता है किसी चीज का फेड हो जाना, कमजोर पड़ जाना उसका, या वीकन हो जाना, या अंडरमाइन, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा फेड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। इफ यू गेट सिलेक्टेड इन बैंक पीओ एग्जाम माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स विल बी पेड ऑफ। ये सेंटेंस को देखने से ऐसा लगता है कि एक फादर अपने बच्चे के बारे में बोल रहा है। उसका बेटा यदि बैंक पीओ एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी जो कड़ी मेहनत है और उसके जो प्रयास हैं वो वसूल हो जाएंगे। वसूल होने के लिए हम पेड ऑफ बोलते हैं। पेड ऑफ काफी सेंसेस में यूज करते हैं हम पेड ऑफ का मतलब। पेड ऑफ का मतलब किसी व्यक्ति को पैसा देकर उसको नौकरी से निकाल देना या उसका हिसाब कर देना, इस सेंस में भी हम पेड ऑफ को यूज करते हैं। तो यहां पर उसके जो एफर्ट्स हैं वो मटेरियलाइज हो जाएंगे, वो उसको उसके जो एफर्ट्स हैं वो सक्सीड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा सक्सीड। ये कुछ कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है जो इस समय करंट पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। इसमें तीन सेंटेंस यहां पर दिए हैं और तीन सेंटेंस यहां पर दिए हैं। इस तरह के पैटर्न को मैं प्रीवियस क्लास में, मेरी यूट्यूब पर जो प्रीवियस क्लास थी एक,
उसको अगर आपने देखा हो तो उसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए इसको फिर से एक्सप्लेन करने में तो थोड़ा समय ख़राब होगा। इस तरह का ये क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन इस तरह के क्वेश्चन को भी आप जरूर जरूर देखें, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास? यदि अच्छा लगा तो इसको जरूर 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 लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको पूरे बैंकिंग एग्ज़ाम की मैं तैयारी इस चैनल पर करवाऊंगा, पूरे एसएससी की तैयारी इस चैनल पर करवाऊंगा, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए सॉलिड कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए इंग्लिश एडवांटेज चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएँ। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।